हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम बशर। सो गाइस, एस जयशंकर ने यूएन में उड़ा दी पाकिस्तान की धज्जियां, पाकिस्तानी मीडिया क्राइम। मुझे पता था जवाब आएगा हमारे, मतलब हमने कल भी बोला था कि एस जयशंकर का जवाब खतरनाक होने लगा है और वही हुआ है। कुछ जवाब दिया है, क्या बोला देखते हैं। गाउन करते हैं रेडवन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किए। जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंक की धुरी है, भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, पाकिस्तान आतंक का कारोबार कर रहा है। बट सम मेक कॉन्शियस चॉइसेस विद डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। अ प्रीमियर एग्जांपल इज आवर नेबर पाकिस्तान। इट्स जीडीपी कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इट्स एक्सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। इट कांट ब्लेम द वर्ल्ड, दिस इज ओनली कर्मा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जाने गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान आता है, इस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। पास्ट में ऐसी सब चीजें हुई है ना, ये ऐसे ही है और ये हकीकत है और ये ऐसे ही रहेगा। इसको आप झुटला नहीं सकते, इन चीजों को आप नहीं झुटला सकते। सबसे भाषा में बेइज्जती करने में तो जयशंकर साहब उस्ताद हैं। इसे क्या लताड़ना बोले या बेइज्जती करना, ये सबके ऊपर है। लेकिन जयशंकर साहब ने जो भाषा यूज की यूएन में पाकिस्तान के लिए, वो भाषा उसे ऐसी भाषा कोई और नहीं यूज कर सकता था। सच बात तो यह है। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खिते में ये हुआ है, खिते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया और उसने कहा जी उसामा बिन लादन भी वहां से निकला। जयशंकर साहब ने बोला कि एक तो ये अपने कर्म झेल रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कल ही पाकिस्तान को भारत की डिप्लोमेट ने बुरी तरह लताड़ा था। अब दोस्तों फिर न्यूज़ आ रही है कि इस बार भाई जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान को बुरी तरह धोया है और पाकिस्तान को बोल दिया है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है, पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है भारत के अंदर। और दोस्तों उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो है वो किसी भी कंट्री के लिए या पूरे विश्व के लिए ये खतरे की निशानी है और पाकिस्तान इसका साथ देता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दोस्तों जयशंकर साहब ने सीधे लफ्ज़ों में कह दिया है कि एक ही शर्त पे पाकिस्तान से भारत की बात हो सकती है कि वो जो हमारी पाकिस्तान ने हमारे जो कश्मीर को कब्जा रखा है वो वापस कर दे, और ऐसा वो करेगा नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो बातचीत होने नहीं वाली। यूएन जैसी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती करना, भाई आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान की क्या ही इमेज रह जाएगी विश्व भर के अंदर। पाकिस्तान अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जाने गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसान आता है, इस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गजा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शन हैं उस पर तो बात ही नहीं की। अब देखें एक तरफ ये चीज़ है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खिते में ये हुआ है, खिते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया और उसने कहा जी उसामा बिन लादन भी वहाँ से निकला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी चीज़ों का पाकिस्तान वन बाई वन रिस्पॉन्ड कर सकता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था, ठीक है। अगर कोई दो महीने एक महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते थे तुम ही जवाब दे दे। हाँ, अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं, एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है। सो टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का मौका ये है भैया
कि दुनिया के इतने फॉरेन मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म को, ठीक है जी, तो उनको नहीं पता कि हम टेररिज्म करा रहे हैं, एक सवाल है ना। इंडिया को अकेले को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड देन अ कंट्री रन बाय द मिलिट्री विद अ ग्लोबल रेपुटेशन, उनकी ये है कि वो दहशतगर्दी कराते हैं, ठीक है जी, और वो कहते हैं जी हमें लेक्चर देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो सकती हैं दैट डेमोक्रेसी के हवाले से वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। बट द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे, जो मेरी असेसमेंट है या जो मैं समझता हूँ या जो मैंने रियलाइज किया, पाकिस्तान की असल में अब फॉरन ऑफिस को जाकर देख लें, जो हमारा परमानेंट मिशन है यूएन के अंदर, उसको जाके देख लें, उन्होंने जनाब, अब देखिए ना क्या बंदा बातें करे, उन्होंने जो ट्वीट्स की हुई हैं, जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो मतलब दो दो घंटे चार चार घंटे पहले की। यूएन के अंदर जब आप लोग बैठे होते हैं, सारी की सारी डिजिटल डिप्लोमेसी है ना भाई, डिजिटल डिप्लोमेसी में यू हैव टू कीप इंगेज्ड विद द ऑडियंस, विद द पीपल इमीडिएटली, यू हैव टू गिव वर्जन्स, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टेल देम आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, समझ रहे हैं बात को। आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, आपने बहुत तेज़ी से चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, साढ़ा ध्यान ही को नहीं है ना चीज़ा हमें हमारे मुझे ऐसे लगता है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को, ठीक है जी, इमीडिएटली इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, इंडियन डिप्लोमेट को या वहीं में बैठे पाकिस्तान के किसी यूएन में डिप्लोमेट को कहते यार इनको 5 मिनट जवाब दे दे इंडियन कोऑर्डिनेटर डिप्लोमेट, उन्होंने इसका जवाब दिया और बहुत ही जोर से जवाब दिया है, क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर किया है, लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर, जहां इसी से तो यार वीडियो खत्म यार। वैसे पाकिस्तानी मीडिया घूम गया ऐसा जवाब दिया, ये चीज माननी पड़ेगी। जयशंकर सर ने पाकिस्तानी जीडीपी का बोला, उसने टेररिस्ट का बोला, उसने उसामा बिन लादेन का बोला, उसने 1971 का बोला, उन्होंने इलेक्शन का बोला, सब कुछ बोला है। और पाकिस्तान से बात है, जवाब है कि सिंपल सी बात है, देखो पाकिस्तान ने पीएम ने बोला था, एक यंगेस्ट जो है ना डिप्लोमेट ने उधर जाकर जो है ना जवाब दिया, अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच लाइक कुछ छोड़े भाई। अब देखो वो क्या कहता है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ यार, आप इस चीज को छोड़ो कि हम जवाब देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कम से कम हमारा फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो हर एक के साथ उसके आपस में कनेक्शन ऐसे हो कि बॉन्डिंग ऐसी हो, उसको ऐसा पता हो कि दुनिया को दिखाए यार हमारे देश में क्या होता है, क्या हिसाब किताब है, वो सब कुछ दिखाए। तो आप ऐसे होते हैं फॉरेन मिनिस्टर जिसने फॉरेन अपने जो बात बोली थी उसने जवाब दिया। आपको कहना है, अपने राय बताना।